हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है सेवात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृपया इस वीडियो को कंटिन्यूस देखें, अंत तक देखें। आप हमारे यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट के द्वारा बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सेवात्मक विकास की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना, अर्थात स्वयं एक व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करते हैं। गेट्स के अनुसार, गेट्स ने क्या कहा है कि स्वयं ऐसे भाग होते हैं जिसमें व्यक्ति या तो प्रवर्तित होते हैं या फिर उत्तेजित होते हैं। यानी स्वयं ऐसे भाग होते हैं जिसमें व्यक्ति या तो प्रवर्तित हो जाता है उसका व्यवहार, या फिर उत्तेजित हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशल एग्जाम के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। स्वयंगों की विशेषता। स्वयंगों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी स्वयंगों से क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। स्वयंगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। स्वयंगों का प्रभाव व्यक्ति की कार्य करने की जो तरीका है, क्रियाशीलता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। सदर ही स्वयंगतिर होते हैं, बुद्धि में रिसता आती जाती रहती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि स्वयंगों से शारीरिक विकास होता है, स्वयंगों के प्रभाव से व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है, और स्वयं तिरो होती हैं और बुद्धि में रिसता आती जाती रहती है। फिर है दोस्तों अगली विशेषता, आत्म नियंत्रण में कमी आ जाती है स्वयं से। स्वयं एकदम से जागृत होते हैं या शांत धीरे धीरे होते हैं। यानी स्वयं एकदम से जागृत हो जाते हैं लेकिन शांत धीरे धीरे होते हैं। स्वयं प्रत्येक व्यक्ति में प्रभावित होते हैं। यानी स्वयं दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। किसी में गुस्सा होता है, किसी में प्यार होती है, किसी में दया होती है। वे टाइम के अकॉर्डिंग अपने स्वयं जागृत करते हैं। स्वयंगात्मक मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। स्वयं जन्मजात होते हैं। स्वयं दो प्रकार के होते हैं, सुखद स्वयं, दुखद स्वयं। दोस्तों, स्वयं दो प्रकार के होते हैं, सुखद और दुखद। शेष अवस्था, इस अवस्था में शिशु स्वेगो का प्रदर्शन करता है। स्वेगो में अस्थिरता व अस्पष्टता पाई जाती है। स्वेगो में तीव्रता भी पाई जाती है। सभी स्वेगो का विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे होता है। वाटसन ने क्या कहा है कि नवजात शिशु में केवल तीन स्वेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। नवजात शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसमें भय, क्रोध व स्नेह तीन ही स्वेग पाए जाते हैं। और ब्रिजिश के अनुसार, जन्म के समय शिशु में केवल एक स्वेग होता है, उत्तेजना, तथा 2 वर्ष की आयु तक सभी स्वेगों का विकास हो जाता है। अगला दोस्तों, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बालक स्वेगों पर नियंत्रित करना सीख जाता है, और स्वेगों में शिथिरता व स्पष्टता आने लगती है तथा तीव्रता कम होने लगती है। इस अवस्था में समूह का सदस्य होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, जिज्ञासा, प्रफुल्लता, प्रतिस्पर्धा आदि स्वेगों का पूर्ण विकास हो जाता है। फिर दोस्तों, किशोरावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में स्वयंगों में परिपक्वता आ जाती है। स्वयंगों में स्थिरता आ जाती है। स्वयं प्रदर्शन में स्पष्टता आ जाती है। स्वयंगात्मक परिवर्तन तिरोगति से होते हैं। इस अवस्था में किशोर का जीवन भाव प्रधान होता है। प्रेम, स्नेह, घृणा, दया, सहानुभूति आदि स्वयंगों का पूर्ण विकास होता है किशोरावस्था में। याद रखिए दोस्तों कि प्रेम, स्नेह और घृणा तथा दया और सहानुभूति किशोरावस्था में परिपक्व हो जाती है, यानी स्वेगो का अच्छी प्रकार से विकसित हो जाता है। और दोस्तों, बाल्यावस्था में आपको बता ही दिया, जिज्ञासा, प्रफुल्लता, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा आदि स्वेगो का पूर्ण विकास बाल्यावस्था में आरंभ हो जाता है। फिर है दोस्तों, सेवगात्मक बुद्धि क्या होती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, सेवगात्मक बुद्धि शब्द का अर्थ प्रथम प्रयोग 1990 में दो अमेरिकन, जो डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलोवे के द्वारा किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में जिस रूप से सेवात्मक बुद्धि की सर्वोत्तर चर्चा हो रही है, इसका प्रमुख श्रेय एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमेन को जाता है। इन्होंने 1995 में प्रकाशित अपनी बुक सेवात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों आदि इसकी पुस्तक है दोस्तों। सेवात्मक बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इसकी चर्चा की थी। फिर दोस्तों, सेवात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने तथा उनका उचित प्रबंध करने से है। अब दोस्तों, सेवात्मक बुद्धि की उपयोगिता, क्या क्या उपयोगिता है। कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो
सकता है, इसकी भविष्यवाणी संयोगात्मक बुद्धि द्वारा की जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, वो संयोगात्मक बुद्धि द्वारा ही हम व्यक्त करते हैं। जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने में संयोगात्मक बुद्धि सहायक है। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे संयोगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता संयोगात्मक बुद्धि के ही द्वारा होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और दोस्तों संबंधों में घनिष्ठता लाने में भी इसका योगदान होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में संयोगात्मक बुद्धि सहायक होती है। तो दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से मैंने बताया संयोगात्मक बुद्धि क्या होती है, इसकी उपयोगिता। दोस्तों विद्यार्थी जीवन में संयोगात्मक विकास का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा ही विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है। और आपको दोस्तों किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में और शिशु जो शिशुवावस्था होती है उसमें कौन कौन से संवेग आते हैं बच्चे के अंदर, उसके बारे में बताया। और संवेग की विशेषताएं बताई, संवेगों की क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके अर्थ क्या होते हैं, उसकी परिभाषाएं आपको अच्छे प्रकार से बताई है। आपको ज़रूर यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।